रविवार सुबह एसएएफ 8वीं बटालियन विशेष सहस्त्र बल में पदस्थ प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक की रहस्यमय मौत के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल दोनों पुलिस कर्मियों द्वारा बीती रात साथ में बैठकर शराब का सेवन किया गया था, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धनीराम उइके उम्र 55 साल एवं प्रेमलाल ककोड़िया उम्र 50 साल ने 8वीं बटालियन के क्वार्टर में बैठकर बियर का सेवन किया था, जिसके बाद अचानक ही दोनों खून की उल्टियां करने लगे थे। तत्काल उन्हें निजी अस्पताल लाया गया, जहां प्रधान आरक्षक धनीराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रेमलाल काकोड़िया ने आज सुबह दम तोड़ दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो बियर की केन एवं गिलास से सल्फास की बदबू आ रही थी, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस इस मामले की इस पहलू से जांच करी है कि या तो दोनों ने सल्फास मिलाकर आत्महत्या की है, या फिर किसी एक ने नए बियर में सल्फास मिला है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इनका मामला आया है, इसमें 8वीं बटालियन हमारे एसएएफ के थे जवान, इसमें एक प्रधान आरक्षक था, एक आरक्षक था, जिसमें प्रेमलाल काकोड़िया करके आरक्षक था, जिसकी उम्र लगभग 54 साल है, और इसी प्रकार धनीराम उइके जिसकी उम्र लगभग 55 साल है। ये दोनों ही साथी थे और जो है शराब साथ में पीते थे, ऐसा पता लगा है। तो हमको अस्पताली तहरीर प्राप्त हुई थी प्रेमलाल की कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग से यह आरोग्य में भर्ती हुआ है। जब जांच करने के लिए गए थे तो पता चला कि ये सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है। फिर हमने आगे पॉइजनिंग है तो कहाँ पे पॉइजन ले सकता है, तो इसकी डिक्की से जो है दो बियर के कैन और दो गिलास स्टील के निकले थे, और जिनको हमने स्मेल किया तो स्टील के गिलास से जो है काफ़ी तीक्ष्ण गंध आ रही थी, जैसे सल्फास की हो। तो ये प्रतीत हुआ कि ज़रूर ही सल्फास जैसे कोई जहरीली पदार्थ उन्होंने लिए हैं, हो सकता है कि बियर में मिला के पिए हो। और उसने बताया कि उसके साथ एक धनीराम भी रहा है, तो धनीराम के बारे में पता किया तो धनीराम के परिवार वालों को ये लगा कि हार्ट अटैक है, तो वो दूसरे अस्पताल में उसको भर्ती किए थे, किंतु वहाँ भी उसकी मृत्यु हो गई थी। घर ले जा रहे थे किंतु उसको फिर वापस बुलवा के और पीएम के लिए लाए हैं। दोनों का अलग अलग मर्ग कायम कर लिया गया है। इसमें देखने वाली बात ये है कि इन्होंने साथ में अगर शराब पिए हैं, बियर पिए हैं, तो ये पॉइजन जो महक आ रही है ये किसी एक ने मिलाया है या दोनों मिल के रजामंदी से इन्होंने पिए हैं, क्या है क्या है, इसमें सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी सूचनाएं दे दी गई हैं और उन्हीं के निर्देशन में हम जांच। एनबीसी न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।